Good morning, students, and assalamu alaikum. I am your English teacher Maria Ghani, and today we are going to discuss our paper pattern. अच्छा, पहले भी हम इसको discuss कर चुके हैं, and जो है like in the first year we told you guys कि अब आपके exams जो है वो 75 marks के नहीं होंगे, rather they would be of 100 marks. उन 100 marks में से आपके जो objective है section A, that is going to be of 20 marks. वैसे तो हम आपको बता ही चुके हुए हैं, लेकिन क्योंकि कोविड की वजह से आप लोग लास्ट ईयर जो है वो पेपर्स नहीं दे चुके, तो आई थिंक इट्स अ मस्ट टू मेंशन कि आप लोग जो है वो अपने कॉलेज के एग्ज़ाम्स को इतना ज़्यादा लाइट ना लें. ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को बहुत लाइट लेते हैं कि मैट्रिक में भी हमारे मार्क्स आ गए थे, स्पेशली लैंग्वेजेस और जो हमारे इजी सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक पाक स्टडीज, इस्लामियात, पहले भी हमारे मार्क्स आ गए थे, हम लिखेंगे आ जाएगा, थोड़ा सा पढ़ेंगे आ जाएगा. तो अब ऐसा नहीं होगा. आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है. आपके लैंग्वेजेस में मार्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा, आपकी मार्किंग स्ट्रिक्ट होती है. तो आपको अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हुए इस चीज़ को माइंड में ज़रूर रखना है. खैर, हेयर इज़ योर पेपर पैटर्न. उसमें मैंने जो है वो एक तो आंसर्स मार्क किए हुए हैं और साइड बाय साइड मैंने मेंशन किया हुआ है कि कौन सा वाला एमसीक्यू जो है, जो आपका सेक्शन ए है, उसमें किस चैप्टर में से आया हुआ है. जो कोर्स में नहीं है वो भी इसमें मेंशन किए हुए हैं. वेल, द पॉइंट इज़ कि हम इसमें ये देखें कि किस रेशियो से हमारे जो एमसीक्यूज़ हैं वो टेक्स्ट बुक में से आते हैं या फिर ग्रामर में से आते हैं. अभी हम देखें, अगर पेज नंबर 1 पे हमारे पास 7 एमसीक्यूज़ हैं तो वो 7 के 7 हमारे पास चैप्टर्स के बीच में से दिए गए हैं, लाइक वो कंसेप्चुअल हैं. अगर आपने चैप्टर को इन डिटेल स्टडी किया है तो ही आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं. फिर उसके बाद हमारे पास जो है 8th पार्ट है, तो ये भी आपकी बुक में से ही, आपकी ग्रामर जो है वो मोस्टली आपकी बुक में दी हुई है. इवन चैप्टर्स की फॉर्म में, एक्सरसाइज की फॉर्म में वो अवेलेबल है. तो आपकी जो 6.4 जो चैप्टर है आपकी बुक का, उसमें आपके पास डिफरेंट जो है वो फिगर्स ऑफ स्पीच मेंशन हुए हुए हैं. वहाँ से आपको जो है वो 8th वाला एमसीक्यू दिया गया है. फिर 9th वाले को हम देखें तो वो हमारा प्ले में से आया हुआ है, और ऐसे ही 10th वाला भी. अगर हम 11th वन से शुरू करें, लाइक 8th वाला और उसके बाद 11th वाले हम देखते जाएं, तो ये सारे के सारे हमारे एमसीक्यूज ग्रामर बेस्ड हैं. अब ये सारे हैं तो हमारे जनरल ग्रामर बेस्ड. अगर आप इसको गौर से देखें तो इट्स एग्जैक्टली लाइक द वे जैसे मैं आपको फुल सेंटेंस लिखवाती हूँ और फिर उसमें से कोई सा भी पार्ट अंडरलाइन करके पूछ लेती हूँ कि ये क्या है, तो ये बिल्कुल वैसे ही हुआ हुआ है. तो आई होप अब आपको समझ आ गई होगी कि मैम आपको क्या कराना चाह रही थी. खैर, सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी हैं, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड भी हैं, डिफरेंट फ्रेजेस, क्लॉजेस वगैरह सारा कुछ है. और एट द एंड, जैसे हमारे पास मैट्रिक लेवल पे होता था एक स्पेलिंग बेस्ड जो है वो एमसीक्यू होता था, वो है. तो इस तरह हम देखें तो हमारे 10 to 11 ऑब्जेक्टिव्स जो है वो चैप्टर्स में से हैं, जिनको हम जिसमें हम अपने स्पेलिंग वाले भी काउंट कर रहे हैं, स्पेलिंग वाले एमसीक्यू को भी काउंट कर रहे हैं. उसके अलावा जो हमारे बाकी हैं वो ग्रामर बेस्ड हैं. अब अगर हम अपने सेक्शन बी पे जाएं, योर सेक्शन बी इज़ ऑफ 40 मार्क्स. सेक्शन बी भी 40 का है और सी भी 40 का है. अब जो सेक्शन बी है उसमें आपके पास बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, एक आपका प्रोज का है और एक, सॉरी, 3 पार्ट्स हैं, एक आपका प्रोज का है, एक आपका पोइट्री का है. ये दोनों एक ही क्वेश्चन में हैं, और फिर आपका एक क्वेश्चन जो है वो प्लेज में से आएगा. अब रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास इस वक्त सिर्फ एक ही प्ले है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको वही प्रिपेयर करना. खैर, प्रोज के पोर्शन में जो चैप्टर्स हैं आपके, उन्हीं में से क्वेश्चंस होंगे और उन्हीं से रिलेटेड इंटरनल चॉइस दी हुई होगी. अब अगर आप इसको गौर से देखें तो आपके जो फर्स्ट 3 यूनिट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. उन फर्स्ट 3 यूनिट्स में से हमें ज़्यादातर क्वेश्चंस नज़र आते हैं. विजन वाला जो हमारा यूनिट है और जो हमारा होप एंड ग्लोरी वाला यूनिट है वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और फिर उसके बाद हमारी इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर आ जाता है, वो आपका इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन उससे आगे जो चैप्टर्स हैं उसी यूनिट में वो भी इम्पॉर्टेंट हैं. अब अगर आप पोइट्री वाले पार्ट में आएँ तो पोइट्री वाले पार्ट पे
आपके पास दो तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आपको इसी में एक क्वेश्चन दिया हुआ हो जो पोएम से रिलेटेड हो, उसके सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड हो। सेंट्रल आइडियाज़ को हमेशा पहले प्रिपेयर किया करें, क्योंकि 99% चांसेस होते हैं कि किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया आपके पास ज़रूर आएगा। देन उसके बाद आपके पास जनरल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक स्टैंजा दिया हुआ हो और आपके पास उस स्टैंजा से रिलेटेड क्वेश्चंस आए, लाइक फोर मार्क्स का एक क्वेश्चन है आपके पास, तो वो 4 मार्क्स आपके पास एक स्टैंजा के 3 या 2 क्वेश्चंस में भी डिवाइड हुए हुए हो सकते हैं। फिर हमारे पास प्लेस का पोर्शन आता है, जैसे पिछले साल लास्ट ईयर हमारे पास था कि हमारे पास 3 क्वेश्चंस आते थे और हमने 2 अटैम्प्ट करने होते थे प्ले में से। अभी भी आपके पास सेम सिनेरियो चल रहा है। फिर आते हैं हम सेक्शन सी पे। सेक्शन बी में आई एम होपफुल फॉर यू गाइस कि आप उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो सेक्शन बी को प्रिपेयर करना। स्टार्ट के चैप्टर्स आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा टेस्ट में जो है वो प्रिपेयर किए हुए हैं। जिन लोगों ने किए हुए हैं उनके लिए इस वक्त बहुत ही ज़्यादा जो है वो अब पेपर की प्रिपरेशन करना आसान है। सेक्शन सी में हम आए तो सेक्शन सी में फिर वही सारी चीज़ें हैं जो हम ऑन एंड ऑफ करते रहे हैं। लाइक क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास जो है वो रिपोर्ट राइटिंग है। रिपोर्ट राइटिंग में अगर आप देखें तो मैंने हाईलाइट किया हुआ है आपका जो रोल होगा वो आपको मेंशन किया हुआ है। अब प्राइस कंट्रोल ऑफिसर का रोल आपने प्ले करना है। नीचे आपको मेन पॉइंट्स भी उन्होंने दिए हुए हैं जिनको आपने कवर करना है, जो जो चीज़ें उसमें आपकी रिपोर्ट में हाईलाइट होना ज़रूरी हैं। आई डोंट थिंक कि आपको एक आउटलाइन दी जा रही है और फिर भी आप जो है वो सेकंड ईयर के लेवल पे इस चीज़ को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। थोड़ी सी अभी हमें जो एफर्ट करने की ज़रूरत है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हमने एरर्स को जो है वो करेक्ट करना है। आपके एरर्स ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि लाइक 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 एरर्स ही मौजूद होते हैं, और वो सब 6 के 6 आपको फाइंड आउट करने होते हैं। योर गुड लक इज़ कि आपको उसमें ये मेंशन नहीं करना होता कि ग्रामेटिकल एरर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर का एरर है, नाउन प्रोनाउन गलत यूज़ हुआ है, ये सब नहीं बताना पड़ता। तो वो आप लोग जो है जैसे क्लास में भी आप लोग करते रहे हैं कि मैम तुक्के लगा लेंगे हो जाएगा, तो उस पर थोड़ा सा गुजारा हो जाता है। बट दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पर आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। लाइक रिपोर्ट में प्रोबेबिलिटी है आपके पास, लेकिन यहाँ पे आप यू कैन बी श्योर कि आप यहाँ पे फुल मार्क्स ले सकते हैं। सेक्शन सी में ये आपका वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आप पूरे मार्क्स ले सकते हैं, वरना आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद नहीं है। क्योंकि इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है वो ईडियम्स पे बेस करता है, और ईडियम्स अगर आप इनको देखें तो सारे के सारे वही हैं जो आपके पास नोट्स में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और आपने जो है वो आपको 6 ईडियम्स दिए हुए होंगे एंड यू विल हैव टू अटेम्प्ट 4 ऑफ देम। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी प्रोबेबिलिटी है फुल मार्क्स लेने की, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास ग्रेड 10th के लेवल के कॉम्प्रिहेंशन पैसेज नहीं होगी। रादर व्हाट यू विल हैव टू डू, आपको उन्होंने जैसे अगर हम नीचे देखें तो फाइंड वर्ड्स इन द पैसेज दैट मीन द सेम एज गिवन बिलो, तो आपके पास ऐसी चीज़ें जो है ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट इन करनी पड़ेगी और आप एकदम से कन्फ्यूज़ भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास आंसर्स जो है वो जैसे हम जूनियर लेवल पे बच्चों को मार्क करा देते हैं, फर्स्ट लाइन से लेके सेकंड लाइन तक पहले क्वेश्चन का आंसर है, उसी के आगे से सेकंड क्वेश्चन का आंसर शुरू होता है, उसी के आगे से थर्ड क्वेश्चन का आंसर शुरू होता है, तो ये वाला हिसाब यहाँ पे नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, यू वुड हैव टू अंडरस्टैंड द पैसेज।